नमस्ते साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बीएल शरण पर आपका स्वागत है। साथियों, कल डीएलएड का एग्जाम है, प्री डीएलएड परीक्षा है, यानी प्री बीएसटीसी की परीक्षा है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। इसमें अगर प्रवेश परीक्षा 2022 के इसके कौन कौन से निर्देश है, आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, वहाँ पर किस चीज़ को आपको प्रवेश करते समय अनुमति मिलेगी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बाकी एग्जाम्स के लिए चर्चा की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनमें जो भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ से अनुभव होता है। डीएलएड के विद्यार्थी आते हैं 12वीं पास करने के बाद में, 12th के बाद के आते हैं, तो उसमें उनके लिए एक सहायता की जरूरत रहती है। उनको मन में डाउट रहता है, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कि कौन कौन सी चीज़ें ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है। परीक्षा कल शनिवार को 5-8 अक्टूबर को 2 से 5 बजे तक होगी। 3 घंटे का टाइम टेबल रहा होगा इसका। इसमें अब क्या क्या चीज़ें चाहेगी इसके बारे में अगर बात करें, तो इसमें जो डीएलएड एग्ज़ाम है ये, इसके बारे में अगर हम परीक्षार्थियों के लिए निर्देश की बात करें तो परीक्षार्थियों में महत्वपूर्ण निर्देश साइट पर दे रखे हैं। इसमें अगर अपन बात करें तो अपन इसमें पहले नोट दे रखा है कि हस्तलिखित सामग्री मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या किसी भी प्रकार इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं ले जाना है। मतलब नकल करने की आपको प्रयास करना है नहीं करना है। अगर प्रयास करते पाए जाते हैं तो उसमें आपको कानूनी कार्यवाही होगी। अपने निर्दिष्ट स्थान यानी जो भी आपको रोल नंबर, जिस टेबल पर आपके बेंच पर जो रोल नंबर लगा रखे उसी को आप कन्फर्म करके ही उसी स्थान पर बैठे। बॉल पॉइंट पेन से भरना है, ब्लैक पॉइंट पेन भी ले जा सकते हो आप या ब्लू पेन भी ले जा सकते हो। इसमें कोई भी एक बॉल पॉइंट लेके जाना है। जैसे अगर मान लग दे रखें कि उत्तर पत्र पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर वाले पूरे गोले को काले बॉल पॉइंट पेन के द्वारा गहरा कलर करना है। यहाँ पर दे रखा है काले बॉल पॉइंट के भी निर्देश दे रखे हैं। तो अगर मान लो जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2 और 3, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसके ऊपर जैसे उनको लेकर रखे होंगे ऑप्शन क्वेश्चन के सामने। जैसे मान लो उस क्वेश्चन में अगर 3 नंबर का ऑप्शन सही है तो उस ऑप्शन को अगर 3 नंबर को करना है तो यहाँ पर आपने मान लियो यूँ आधा गोला कर दिया, ये करेक्ट नहीं होगा। या आपने इसे राइट का निशान लगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा। उसको पूरा तरह जिस तरह आप पूरा एकदम गोला भरोगे तभी उसको क्वेश्चन को सही मानेगा। अगर आपने कोई भी 2 क्वेश्चन पर अधूरा भी गोला कर दिया तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मान ली जाएंगे, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो बड़ी सावधानी से आपको क्वेश्चन बने। लेकिन सबसे पहले अगर आप ओमआर में रोल नंबर भरते हो तो उसको सबसे अच्छी सावधानी से पढ़ना। क्वेश्चन अगर भरे जाएंगे तो उसमें 1 क्वेश्चन का लॉस होगा, लेकिन अगर रोल नंबर ही गलत भर दिए तो आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। अब अगर अपन बात करें कि उसको प्रश्न पत्र की पिनों वगैरह को खोलने का नहीं दिया है और प्रश्न पत्र पर कुछ भी नहीं लिखना है, रफ कार्य करने के लिए प्रश्न पत्र के पीछे में पेज दे रखे होते हैं, रफ कार्य के लिए प्रश्न पत्र के पीछे पेज दे रखे, तो उस वहाँ पर रफ कार्य करना है, सही गोला भरना है। खाली रोल नंबर और उसका जो रोल नंबर का स्थान दे रखा है, आपका सिग्नेचर का स्थान दे रखा है, वहाँ पर 2 स्थान दे रखे, एक तो स्टूडेंट के सिग्नेचर स्थान दे रखा होगा और एक परिवीक्षक जो कि ड्यूटी करता है ऑन टाइम एग्जाम पे, तो उसका सिग्नेचर तो आपको यहाँ पर एक तो होगा स्टूडेंट का परीक्षार्थी का और एक आएगा परिवीक्षक का सिग्नेचर। तो परिवीक्षक के सिग्नेचर पर आपको नहीं करना है, यहाँ पर करना परीक्षार्थी का जो सिग्नेचर का जगह दे रखी होती है उसके ऊपर आपको अपने साइन करने हैं। और जो भी उसको परफॉर्मा लेके आते हैं उन पर आपको साइन करवाएंगे, थंबप्रिंट भी लेंगे, तो उसके अनुसार जो भी निर्देश होते हैं उन्हीं के अनुसार आप काम करें। अब अगर अपन इसमें अगर बात करें, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, अब इनको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है उसके बारे में अगर अपन एक बार डिटेल से देखें तो आपको आधार कार्ड लेकर जाना, अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड वगैरह कुछ ऐसी कुछ जाना, मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, प्रवेश पत्र साथ में लेके जाना है। फोटो का यहाँ पर निर्देश नहीं दे रखा है, लेकिन आप फोटो भी साथ में ले जा सकते हैं। लेकिन क्यों यहाँ पर साथ ले जाना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई कई मन में ऐसे रहता है कि यार फोटो ले जाना नहीं ले जाना, ले जाना ले जाना, इस तरह डाइवर्ट होते रहते, उससे अच्छा आप एक फोटो साथ ले जाएँ। प्रवेश पत्र और आधार कार्ड ही मूलतः ले जाना, आधार कार्ड जगह आप दूसरी वस्तु भी, मतलब जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो ले जा सकते हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ वो मैच खानी चाहिए। अब अगर अपन बात करें वहाँ पर आपका टाइमिंग रहता है 2 से 5 बजे का रहेगा, टाइमिंग कितना रहेगा 2 से 5 बजे का और 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा। 3 घंटे की टाइमिंग में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं 200 क्वेश्चन करने और कितना मार्क रहेगा 600 नंबर के 200 क्वेश्चन रहे। तो इस 200 क्वेश्चन को करना है, उसमें अगर अपन डिवाइडेड की बात करें परीक्षा पद्धति दे रखी है, इसमें अगर प्रश्न पत्र या संरचना दे रखी है, यहाँ पर प्रश्न पत्र है, इसमें कुल प्रश्न कितने आएंगे 200 प्रश्न आएंगे और टाइम नंबर कितने होंगे 600 नंबर होंगे। इसमें खंड बना रखे हैं, कितने खंड बना रखे हैं, ए ब स और द, यानी 4 खंड बना रखे। पहले खंड में क्या आएगा, मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी जिसको अपन क्या कहते हैं रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग आएगी पहले खंड में। उसके कितने क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर को, 1 क्वेश्चन कितने नंबर को होगा 3 नंबर को होगा, रीजनिंग का 1 क्वेश्चन है 3 नंबर, शुरुआती 150 तक 1 क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी। उसके बाद राजस्थान जी की सामान्य जानकारी है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, कुल 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे।
उसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता या इसको अपने साइकोलॉजी या नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के, उसके भी 50 क्वेश्चन और 150 नंबर, ये टोटल अगर अपन देखें 450 नंबर हो गए। और यहाँ पीछे जो 150 नंबर बन सके उनमें अगर अपन बात करें, जिन्होंने अगर सब्जेक्ट का चयन कौन सा कर रखा है, जिन्होंने अगर सब्जेक्ट कौन सा ले रखे, अगर इंग्लिश को चयन कर रखा है तो उनके लिए इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर इंग्लिश के हो जाएंगे और हिंदी या संस्कृत में एक चयन करना होगा। इंग्लिश तो सबको करनी पड़ेगी, इंग्लिश तो क्या करनी पड़ेगी, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, इनको सबको क्वेश्चन करने पड़ेगी 3 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं तो 3 नंबर का आएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर 50, 50 और 70 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद अगला अपन बात करें, ये दो दे रखे, एक हिंदी दे रखी सब्जेक्ट और एक कौन सा दे रखे, संस्कृत। जिसने अगर संस्कृत को चयन किया है तो उसको संस्कृत में जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे 171 से 200 तक उनको करना होगा। और जिन्होंने जनरल चयन फॉर्म भरते थे, यहाँ पर जनरल सेलेक्ट किया हुआ है, जनरल ने सामान्य सेलेक्ट किया हुआ है, तो उनको हिंदी का आंसर देना है, हिंदी के प्रश्न को हल करना है। जिन्होंने संस्कृत और जनरल दोनों से भरा हुआ है तो वो हिंदी का भी कर सकते हैं और संस्कृत का भी कर सकते, उनमें आपको अपने अनुसार कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने जनरल से फॉर्म भरना उनके लिए विशेषता है कि उस हिंदी का ही चयन करें, संस्कृत में नहीं भरे, क्योंकि संस्कृत को जिन्होंने संस्कृत सेलेक्ट किया है वो ही कर सकते हैं। टोटली 200 क्वेश्चन होंगे, 600 नंबर का मार्क्स होंगे। अब अगर अपन बात करें कि जो क्वेश्चन करने हैं तो उनमें कौन से क्वेश्चन को पहले करें या कौन से क्वेश्चन को बाद में करें, तो इसमें अगर अपन बात करें यहाँ पर ये निर्देश भी अलग से दे रखे हैं कि जिन्होंने 151 से 170 तो सभी आवेदकों को करने, जिसमें कौन सा आ गया, एक रीजनिंग का पोर्शन आ गया, राजस्थान जीके का पोर्शन आ गया जीके का, और कौन सा पोर्शन आ गया, मेंटल एबिलिटी का पोर्शन आ गया, मेंटल एबिलिटी जो कि वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन कह सकते हैं उसमें, और उसके बाद में हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, वो भी आ गए, साथ में कौन है इंग्लिश आ, ये तो सबको करने हैं। उसमें हिंदी का पोर्शन बताया संस्कृत का, तो जिन आवेदकों के सामान्य के लिए चयन किया उनके लिए हिंदी रहेगा, और जिन्होंने संस्कृत के लिए या सामान्य संस्कृत दोनों के लिए आवेदन किया उनको संस्कृत में चयन कर सकते हैं। और प्रश्नों को उत्तर देते हैं तो यहाँ पर दे रखा है, यह सामान्य निर्देश दे रखे हैं, ओमर शीट को पूर्ण गोला भरना, जैसे ये गोला दे रखा है तो उसको पूर्ण गोले को एकदम सही रूप से भरना, उसको ज़्यादा बाहर भी नहीं करना है, तो अच्छी तरह से भरना, इस तरह ये निर्देश दे रखे हैं। और एग्जाम पर शेड्यूल की अगर बात करें, अब अगर अपन टाइम रहते हैं, अगर जैसे टाइम दे रखा है उसका 2 से 5 बजे का टाइम दे रखा है, तो आपको एग्जाम शुरू होने से 1:30 तक वहाँ आपको एंट्री शुरू की जाएगी और 1:40 तक आपको एंट्री बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया जाएगा, 1:50 में आपको पेपर दे दिया जाएगा, यहाँ पर 10 मिनट के टाइम में आपको प्रविष्ट किया जाएगा यानी प्रवेश दिया जाएगा। तो आपको कम से कम 1 बजे के लगभग आपको सेंटर पर पहुँच जाना है, वहाँ पर जाने पर बाहर लगी हुई लिस्ट को आपको रोल नंबर मिलान कर लेना है और कन्फर्म कर लेना है मेरा सेंटर इसी जगह पर है, तो उसे आपको मन में मेंटली प्रेशर में नहीं रहोगे, और 1:30 में आपको एंट्री दी जाएगी, 1:40 तक 10 मिनट तक एंट्री चलेगी, और 2 बजे आपको 1:50 में पेपर दिए जाएंगे, वहाँ से आपको उम्र भरने के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 बजे आपको पेपर दिया जाएगा और 5 बजे आपसे पेपर लिया जाएगा, एंसू उमर ली जाएगी। अब अगर कई साथियों के प्रश्न आते हैं कौन से सब्जेक्ट को पहले करें, रीजनिंग को पहले करें या जीके के पोर्शन को पहले करें या साइकोलॉजी के पोर्शन को पहले करें या इंग्लिश के पोर्शन को पहले करें, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, रीजनिंग का पोर्शन आता है इसमें कैलकुलेशन रहती है यानी आपको गणना ही करनी पड़ती है, उसके लिए रफ कार्य की जरूरत रहती है, तो आप पहले जीके का पोर्शन को करें, जीके के 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, 50 क्वेश्चन को करें, जो जो क्वेश्चन आपने पहले स्टेम कर लिए हैं उनको कर लें, बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर घिरा कर दें, जो क्वेश्चन हो गए उनको आप पहले 50 नंबर को ओमआर में फिल कर दें, और क्रम से ध्यान से करना, जो आप सीरियल नंबर दे रखा है क्वेश्चन का उसी के अनुसार करना, कहीं 50 नंबर क्वेश्चन मान ली, 100 तक के क्वेश्चन दिया आपने, 1 से 50 के अंदर कर दी फिल कर दी, ऐसा नहीं करना है, आपको आराम से देख करके करना, टाइम खूब है, 3 घंटे का टाइम बहुत होता है। उसके बाद साइकोलॉजी मेंटल एबिलिटी बेसिक क्वेश्चन दे रखे होंगे तो वो क्वेश्चन को भी उनमें उसके बाद में कर सकते हैं जीके के, और फिर इंग्लिश के क्वेश्चन है ज़्यादातर अगर 12th के पास साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए मन में ऐसा भय रहता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, और नहीं आपकी इच्छा है तो करना, लेकिन करने जरूर है क्योंकि 200 क्वेश्चन है तो इनको सभी को करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप इन्हें आराम से करना। उसके बाद आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए आपको तो रीजनिंग क्वेश्चन करने तो उसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, रफ कार्य वहाँ पर एक प्रश्न को नॉर्मल रफ कार्य वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन आप उसको पीछे की पेज पर 2-3 पेज देर के होंगे रफ कार्य के लिए, वहाँ पर आपको रफ कार्य करना चाहिए। इस तरह से आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, गोलों का आराम से भरना है, आपको एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया होगा, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप अच्छा पेपर दीजिएगा। आपके मन में अगर कोई भी और डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके कमेंट में जवाब दे दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।